आपका स्वागत है क्रेजी टाइम यूट्यूब चैनल। आज अपन देखेंगे सोडियम मेटल के बारे में। सोडियम मेटल जिस जो पानी के साथ बहुत रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, आज हम देखेंगे कि ये पानी के साथ कितना तेज स्फोट कर सकता है। अपन डिफरेंट मीडियम में इसका टेस्ट करके देखेंगे, जो पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और जिस उस रिएक्ट करता है उसी टाइम इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, जिसकी वजह से ये आग पकड़ लेता है और एक बहुत ही ख़तरनाक विस्फोट होता है। तो अब हम देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त विस्फोट हो सकता है, इसकी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी डालने पर कितना। इस मेटल को इसमें से मेटल निकाल के पानी में डाल के देखते हैं कि ये कितना रिएक्ट करता है। अपन इसको सेफ्टी रखने के लिए अपन ने ग्लव्स पहन रखे हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव है, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से अपन इसमें से एक टुकड़ा निकालते हैं, ये सोडियम मेटल। कहने को तो ये सोडियम है, बट ये चाकू से भी कट सकता है, इसकी इलास्टिसिटी थोड़ी कम है इस वजह से। अब अपन इसको इस पानी के अंदर डाल के देखेंगे कि इससे कितना धमाका होता है। तो हम स्टार्टिंग इसको डाल के भागना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये अपने को नहीं पता। तो गाइज देखिए, 1 2 3 नेक्स्ट इसके अंदर दोबारा डाल के देखते हैं। कंटेनर थोड़ा बड़ा लिया है और थोड़ा सा इसमें भी मेटल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अब तो देखिए गाइज, 1 2 3 सोडियम मेटल को एक बंद कांच की बोतल में विस्फोट करके देखेंगे। इसके लिए अपन ने एक मैकेनिज्म सेट किए, एक धागे से इसको लटका दिया। अब इसको इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे, तो अपन देखते हैं इसके लिए क्या होता है। तो अब हम इसके अंदर इसको डाल रहे हैं स्लो, 1 2 3 देखा, एक कांच की बोतल के अंदर अपने जब सोडियम मेटल को डाला तो देखा कि कितना विस्फोट हुआ। ये कांच की जो बोतल थी उसके ग्लास आप देख सकते हो, कितने छोटे छोटे ग्लास हो चुके हैं, कुछ पार्ट्स तो इसके मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसको घर पे अपने घर पे कोई नहीं करे। करने के लिए हम है ना, हमें बोलिए, हम करके दिखाएंगे। अब मैं देखते हैं, अपन ने इस बार मेटल का कंटेनर लिया है, एकदम पैक है, वही वापस पहले वाली ही मैकेनिज्म सेट की है, देखते हैं इसके अंदर कितना विस्फोट हो सकता है। अपन ने ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, हम अपन देखेंगे कि कैसे विस्फोट होता है। अब इसको अंदर इसके अंदर रिलीज करते हैं मेटल को, 3 2 1 आजा तू आजा।
बहुत ही बड़ा कंटेनर लिया है अपन ने, एक पूरा का पूरा टिन ले लिया, इसके अंदर पानी नीचे पानी डाल के और वापस पहले वाली ही अपन ने मैकेनिज्म सेट कर दी। इसके अंदर हमने सोडियम मेटल थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लिया है और हम देखेंगे इसको इस धागे को रिलीज करके और जो अपना सोडियम मेटल है इसको अंदर ड्रॉप करेंगे। अब देखते हैं कितना विस्फोट होता है। तो गाइस कृपया कोई इसको अपने घर पे नहीं करे, ये खतरनाक हो सकता है। 2 1 रिलीज। राकेश पाजलर क्या हाल हो चुका है। पूरा टिन पूरी साइड से अपन देख सकते हैं इसको, पूरा टिन इसका ढक्कन एक साइड हो चुका है और ये बहुत ही शार्प है गाइस, बस गया अभी तो मेरी अंगुली कट जाती। तो अपन हाँ हम देख सकते हैं कि सोडियम मेटल ने इसकी क्या हालत कर। अब हम इस सोडियम मेटल को कुएं के अंदर डाल के देखेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, कितना विस्फोट होता है। आप देख सकते हो अपन ने पूरा सेटअप कुएं पे सेट कर रखा है और अब हम कुएं के अंदर इसको मेटल को डाल के देखेंगे कि पानी में कितना विस्फोट होगा। इसके लिए अपन ने पूरा सेटअप सेट कर लिया है, देखते हैं अपने सुरेश भाई अब इसको सोडियम मेटल को इसके अंदर डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। हमने देखा कितना जबरदस्त विस्फोट हुआ है, कुएं के अंदर धुआं धुआं बिल्कुल पूरा कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम पूरा धुआं हो रखा था। तो ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए गाइज अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना चैनल क्रेजी टाइम यूट्यूब चैनल है, इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए।